Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Sales Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic General Functions of Sales Management. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेल्स मैनेजमेंट के मेन जनरल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, उन फंक्शंस को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. द वेरी फर्स्ट जनरल फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द सेल्स प्लान. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है सेल्स मैनेजमेंट का, कि उसको एक सेल्स प्लान डेवलप करना होता है. क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और लगातार प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, सेल्स मैनेजमेंट. तो इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक सेल्स प्लान सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. सेकेंड वन इज द रिक्रूटिंग द राइट पीपल टू एग्जीक्यूट द सेल्स प्लान. सेल्स प्लान को डेवलप करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद, नाउ इट इज द टर्न टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर सेल्स प्लान. लेकिन सेल्स प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उन पर्टिकुलर पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है जो प्रॉपर वे में आपके द्वारा प्रिपेयर किए गए सेल्स प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन राइट पर्सन्स को रिक्रूट करना पड़ेगा. तो ये उसका हो गया सेकेंड फंक्शन, यानी कि सेल्स प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट पर्सन्स को रिक्रूट करना. दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. नाउ कम टू द थर्ड फंक्शन, ट्रेनिंग द पीपल सेलेक्टेड टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी इन अचीविंग द टारगेट्स सेट एंड फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स. यानी जब एक बार आप राइट पर्सन्स को रिक्रूट कर लेते हो सेल्स प्लान को एग्जीक्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद उन सेलेक्टेड पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना ट्रेनिंग के सेल्स प्लान को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता. तो जिन पर्टिकुलर पीपल को आपने सेलेक्ट किया है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट. क्यों, क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इससे उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होती है. यानी कि जो सेल्स पर्सन हैं आपके सेल्स टीम में, उनकी कॉम्पिटेंसी को बिल्डअप करने के लिए ही उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. जब उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्डअप होगी, हाईएस्ट लेवल पर होगी, तो उसके बेसिस पर वो अपने टारगेट्स को अचीव करने में कैपेबल होंगे. यानी कि जो टारगेट आपकी तरफ से सेट किए गए हैं उनको अचीव करना आसान हो जाएगा आपके सेल्स पर्सन के लिए, और इस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर वे में फुलफिल करने में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे. इसी वजह से उन पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट इज कंपल्सरी. फोर्थ फंक्शन, डिफाइनिंग द सेल्स टेरिटरीज. अब इसके बाद क्या होता है, एक बार आपने अपनी सेल्स टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आप सेल्स टेरिटरीज को डिफाइन करते हो. यानी कि वो पर्टिकुलर टेरिटरीज, वो पर्टिकुलर एरियाज जहां आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को फॉलो करोगे, जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे, उन पर्टिकुलर टेरिटरीज को आप डिफाइन करते हो, उन पर्टिकुलर सेल्स टेरिटरीज को आप डिफाइन करते हो. इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या रहता है, स्पेसिफाइंग द सेल्स कोटा टू बी अचीव फॉर ईच टेरिटरी. अब उसके बाद आपने सेल्स टेरिटरी डिसाइड कर ली. सेल्स टेरिटरी को डिसाइड करने के बाद आप क्या करोगे, हर पर्टिकुलर सेल्स टेरिटरी के स्कोप को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर रिसर्च किया थी यहाँ पर, और रिसर्च करने के बाद हर सेल्स टेरिटरी के रिगार्डिंग सेल्स कोटा को डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी में कितनी सेल्स की पॉसिबिलिटी है, दैट इज डिफाइंड. और उसको स्पेसिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किसकी रहती है, सेल्स मैनेजमेंट की. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट, टू स्पेसिफाई द सेल्स कोटा दैट इज टू बी अचीव्ड फॉर ईच टेरिटरी. क्लियर. नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट. सिक्स्थ फंक्शन क्या है इसका, डिफाइनिंग द रेम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स फॉर द सेल्स फोर्स. अब वो क्या करना है, अपनी सेल्स फोर्स के मोटिवेशन के लिए रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को आपको एडवांस में डिफाइन करना होता है. क्योंकि जब आप एडवांस में रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को डिफाइन कर देते हो अपनी सेल्स फोर्स के लिए, तो उसके बेसिस पर उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के बेसिस पर सेल्स टारगेट को अचीव करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है. क्योंकि रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड सिस्टम
प्रॉपरली डिफाइंड है इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो आपने डिफाइन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन रहता है सेल्स मैनेजमेंट का, प्रोवाइडिंग वेलफेयर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द सेल्स फोर्स। इट इज मोर बेनिफिशियल इफ सेल्स मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग द वेलफेयर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू इट्स सेल्स फोर्स। यानी कि अगर सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा अपनी सेल्स फोर्स के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज के साथ साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये सेल्स फोर्स के मोटिवेशन को और डबल ट्रिपल कर देता है, जिसके बेसिस पर जो आपके सेट टारगेट्स हैं सेल्स के उनको अचीव करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज डिवाइजिंग अ सेल्स फोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो सेल्स मैनेजमेंट है वो लगातार ये देखता रहता है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर उनकी सेल्स टीम लैक कर रही है, या ऐसी कौन कौन सी नई टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके सेल्स फोर्स की एफिशिएंसी को और उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए लगातार जो सेल्स मैनेजमेंट है वो सेल्स फोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिवाइज करता रहता है, ऐसे प्रोग्राम्स को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, उनको प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है सेल्स फोर्स के लिए, और उसके बेसिस पर उनके डेवलपमेंट को पॉसिबल किया जाता है, जिससे कि चेंजिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो अपनी सेलिंग टेक्निक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग पास्ट परफॉर्मेंस विद द करेंट परफॉर्मेंस एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस ऑन डिमांड। द मेन फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, क्यों क्या करता है, वो लगातार पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर देता है, करेंट परफॉर्मेंस से उस पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एनालिसिस की जाती है, और फिर उसके बेसिस पर डिमांड के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रेडिक्शंस किए जाते हैं कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। दीज पर्टिकुलर प्रेडिक्शंस आर फॉलोड। एंड द लास्ट वन इज द 10th वन, कोऑर्डिनेटिंग विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द कंज्यूमर्स। इसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, दैट मार्केटिंग डिपार्टमेंट और कंज्यूमर के साथ में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना। जब तक मैनेजमेंट, जो सेल्स मैनेजमेंट है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और कंज्यूमर के साथ में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने की पोजीशन में नहीं होगा, तब तक सेल्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। द नेक्स्ट 11th फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज सेल्स प्लानिंग एंड सेल्स पॉलिसीज। सेल्स के रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करना कि किस तरीके से कहां कहां से सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरह से मार्केट शेयर को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करना, और उसके साथ साथ सेल्स के रिगार्डिंग पॉलिसीज को डेवलप करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्राइस फिक्सिंग। यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो सेल्स मैनेजमेंट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज को कंसीडर करता है, और उन प्राइसिंग पॉलिसी के बेसिस पर प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड किया जाता है, और उस पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स करके उस पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। एक्चुअली है क्या कि जो सेल्स मैनेजमेंट है वो एफर्ट करता है कि किसी भी तरीके से क्या करा जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए, उसके प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए, और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ऐसा प्राइस डिसाइड करना जरूरी है जिसके बेसिस पर आप मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो बेस्ट पॉसिबिलिटीज को सर्च करते हुए, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए सेल्स मैनेजमेंट प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है, और उस पर्टिकुलर प्राइस को फॉलो करते हुए फर्म के रेवेन्यू को और उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एक्चुअली है क्या कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट इन द स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, और इसी वजह से एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन जैसे जो मेन कम्युनिकेशन फंक्शंस हैं, प्रमोशनल फंक्शंस हैं, दे आर ऑल्सो अंडर सेल्स मैनेजमेंट। क्योंकि सेल्स को इंक्रीज करना है, और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस, कंज्यूमर्स के बीच में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, और उस अवेयरनेस प्रोग्राम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, ये दो मेन फंक्शंस हैं जो सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक सेल्स पर्सनशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ
सेल्स फोर्स के रिगार्डिंग प्रॉपर सेल्स पर्सनशिप को फॉलो करना है साइंटिफिक वे में, वो भी उसका मैनेजमेंट करना है, उसको कंट्रोल करना है। ये काम भी किसका है? ये काम भी है सेल्स मैनेजमेंट का। क्योंकि जब तक आप सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, उनकी सेल्स पर्सनशिप को प्रॉपरली इम्प्रूव नहीं करोगे, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉपर रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स है वो किस पर डिपेंडेंट है? सेल्स फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। आपने तो प्रोग्राम को सेल्स मैनेजमेंट के जो टॉप मोस्ट पर्सन हैं उन्होंने प्रोग्राम को डेवलप कर लिया, सेल्स प्लानिंग कर ली, सेल्स प्रोसेस डिफाइन कर दी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? सेल्स फोर्स का। इसी वजह से आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना होगा? सेल्स फोर्स के सेल्स पर्सनशिप, उसके मैनेजमेंट और उसके कंट्रोल पर। इसी वजह से सेल्स मैनेजमेंट इसके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में प्रोग्राम डेवलप करता है, जिसके बेसिस पर सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके, जिसके बेसिस पर सेल्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट मेन फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर आप मार्केट के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। ये जो सेल्स फोर्स आपकी मार्केट में वर्कआउट कर रही है, इसी को आप एक बेस बनाते हुए इसके बेसिस पर मार्केट के बारे में जो भी करंट इन्फॉर्मेशन हैं या कस्टमर्स के जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, चेंजिंग जो चेंजिंग बिहेवियर्स हैं, उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसके लिए आप मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प लेते हो और उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जिसके बेसिस पर आप अपने डिफरेंट टाइप के सेल्स प्लानिंग और सेल्स पॉलिसीज को डेवलप करते हो। तो मार्केटिंग रिसर्च एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स मैनेजमेंट के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स प्लानिंग और सेल्स पॉलिसीज को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज वेरी क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स ऑपरेशंस एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स कॉस्ट। अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको प्रॉपर वे में सेल्स ऑपरेशंस को प्लान करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा जिससे कि सेल्स कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। जब तक आप अपने सेल्स ऑपरेशंस को प्रॉपरली प्लान और कंट्रोल नहीं करते हो, तब तक आप सेल्स कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल करने की पोजिशन में नहीं आओगे। ऐसा नहीं है कि हवा में बैठे बैठे काम हो जाएंगे। You have to make a proper planning. You have to make a proper control over your sales operations, on the basis of which the sales cost can be controlled. Only and only then. Otherwise, it is not possible. Next function of sales management is selection and management of channel of distribution. क्योंकि जो product है वो sales force के basis पर तो market में sale हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने channel of distribution भी set up कर रखे हैं, तो उन channel of distribution को जो आपने सेटअप किया है, तो कौन कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको फॉलो करने हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और किस तरीके से उनको मैनेज करना है, ये काम भी किसका रहता है? सेल्स मैनेजमेंट का। तो जब तक आप अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली मैनेज करने की पोजीशन में नहीं होगे, तब तक सेल्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता किसी के भरोसे। जो सेल्स मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली मैनेज करना होगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके बेसिस पर सेल्स को लगातार इंक्रीज किया जा सके। एक क्लोज वॉच रखनी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट वन इज द ब्रांडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग। जब तक आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं होगी, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के तौर पर आप मार्केट में अवेलेबल नहीं होगे, जब तक आप स्ट्रॉन्ग पैकिंग के साथ में मार्केट में अवेलेबल नहीं होगे जो आपके कस्टमर्स के अटेंशन को प्रॉपरली अट्रैक्ट करने की पोजिशन में हो, और जब तक एक प्रॉपर लेबलिंग नहीं होगी जहाँ प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट टाइप की, उसे हम लेबलिंग का नाम देते हैं, तब तक आप अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज नहीं कर सकते। सेल्स पर्सन के लिए ये एक तरीके का एडवांटेजेस रोल प्ले करते हैं। अगर प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है, प्रॉपर पैकिंग है, प्रॉपर लेबलिंग है, तो इसका बेनिफिट मिलता है सेल्स पर्सन को, और सेल्स पर्सन इसका बेनिफिट उठाते हुए मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोडक्ट की ब्रांडिंग या ब्रांड नेम को क्रिएट करने में, उसकी पैकिंग को एडवांस बनाने में और लेबलिंग को एडवांस बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर सेल सर्विसेज इफ नेसेसरी। अगर कंपनी को या फर्म को ये लगता है कि उसे अपने कंज्यूमर्स के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स भी ऐसा कर रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिशन में आगे रहने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि गेटिंग अ एज ओवर कॉम्पिटिशन, if there is a requirement of after sales services, then this must also be provided by the firm. And the last one is the
इंडिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल फंक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी फंक्शंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनके बीच में एक प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर वे में इंडिकेट करते हुए कोऑर्डिनेट करते हुए आप सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने सेल्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए टारगेट्स को प्रॉपरली अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। थैंक यू।